हेलो एवरीवन, मैं हूँ गर्वित। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक एंड नॉन टेक ज्ञान पर। आई वेलकम यू ऑल इन द सेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आज हमारा लेक्चर नंबर है 5th ट्रांसपोर्टेशन का, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। उसका मैंने काफ़ी पोर्शन कवर कंप्लीट कर चुका हूँ और आज इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। इसके बाद बचेगा हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट का, और उसी के साथ ही फर्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, इसमें ट्रांसपोर्टेशन पूछा जाएगा, तो ये कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं SSC JEE ES और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खुद कराऊंगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने सुपर एलिवेशन की डिजाइनिंग सब चीज़ कंप्लीट करा दी है। उसके बाद हमने रूलिंग मिनिमम रेडियस भी करा दी है। आर रूलिंग क्या होता है, आर एब्सोल्यूट क्या होता है, वो मैंने इससे प्रीवियस ईयर प्रीवियस वाली जो क्लास थी उसमें करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इधर से देख सकते हैं। पाई कार्ट में इसका लिंक है, आप इधर जो आ रहा है उसको देख सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मेरी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है ट्रांसपोर्टेशन की, तो काफ़ी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, आप देखिए, जरूर मज़ा आएगा। जिस हिसाब से मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, पहले मैं वो एक बार आपको लिख के बता देता हूँ कि आज हम पढ़ने के वाले हैं। आज हम कवर करेंगे फर्स्ट एक्स्ट्रा बाइंडिंग, क्या कंप्लीट करेंगे आज हम। सबसे पहले एक्स्ट्रा बाइंडिंग क्या होती है वो चीज़ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हम कंप्लीट करेंगे सेकंड टॉपिक, वो होगा अपना ट्रांजिशन कर्व, हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्री प्लस मेंस के लिए। और इसी के साथ लास्ट जो बचेगा अपना सेट बैक डिस्टेंस, क्या बचेगा, सेट बैक डिस्टेंस। तो आज जो हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे सर, वो ये तीन टॉपिक कंप्लीट करेंगे, एक्स्ट्रा वाइड में ट्रांजिशन कर्व, सेट बैक डिस्टेंस, क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस बचते हैं, वो सारे मैं इस क्लास के अंदर कंप्लीट कराऊंगा। पहले समझाऊंगा, जब अब तो आप समझ ही गए होंगे मेरे समझाने का तरीका। पहले मैं समझाऊंगा, लिखाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपके डायरेक्ट माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के साथ क्या ना, अगर जब तक हम क्वेश्चन नहीं करते तो बच्चों को आइडिया नहीं लगता कि हम ये पढ़ रहे हैं, तो उसका यूटिलाइज ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग से ही स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ दोनों पॉइंटों को। क्लास शायद थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, आई डोंट नो कितनी बड़ी जाएगी, पर मज़ा आएगा क्योंकि न्यूमेरिकल साथ के साथ ही करते हुए जाएंगे, और आज इस हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को कंप्लीट करना है, काफ़ी मज़ेदार क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा बाइंडिंग, अब देखिए एक्स्ट्रा बाइंडिंग क्या होती है, क्यों प्रोवाइड किया जाता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। उसके बाद मैं इसकी जो चीज़ मैंने आपको समझाऊंगा वही इंग्लिश में लिखूंगा, बस ये चीज़ है। ठीक है, तो देखिए एक्स्ट्रा बाइंडिंग वो चीज़ होती है, जैसा कि हम सब व्हीकल में बैठे हुए हैं, फोर व्हीलर में हमारे जो व्हीकल रोटेट करता है वो आगे के टायर मूव करते हैं, उसकी वजह से, जैसे ये व्हीकल है तो आगे के टायर हमारे हम रोटेट करते हैं तब हमारी गाड़ी टर्न लेती है। ठीक है, पीछे के व्हीकल तो अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं, तो जब हम टर्न लेते हैं ना, क्या करते हैं, टर्न लेते हैं, तो आगे के व्हीकल तो मूव हो जाते हैं, तो आगे के व्हीकल अलग ट्रैक को ट्रेस करते हैं और पीछे के व्हीकल अलग ट्रैक को ट्रेस करते हैं। ठीक, तो आगे के व्हीकल तो रोड पे ही रहते हैं, पर जब हम टर्न लेते हैं ना, तो पीछे के व्हीकल उतना रोटेट नहीं कर पाते, वो पहले ही मुड़ने लग जाते हैं। इसकी वजह से क्या है, जो व्हीकल जो ट्रैक पे होना चाहिए था ना, वो पीछे का व्हीकल आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है। चलिए मैं इसको एक बार डायग्राम से समझाता हूँ, ऐसे आप इतना लिंक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है अपना कोई कर्व है। ठीक है, ये अपने क्या है व्हीकल की एक्सेस है, ये फ्रंट व्हील था, ये फ्रंट व्हील है, ये रियर व्हील है। ठीक है, अगर मेरे को मान लीजिए रोटेट करने की बारी आ गई, तो मैं फ्रंट व्हील को मतलब अपने स्टेयरिंग को घुमाऊंगा, तो उसकी वजह से कौन से टायर रोटेट होते हैं, फ्रंट वाले, पर बैक वाले टायर रोटेट नहीं होंगे, पर ये वाला ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे ऐसे करके, आ रही है बात समझ में। तो ये वाली व्हीकल ऐसे जाएंगे ये वाले टायर, और पीछे वाले यहीं से रोटेट होने लग जाएंगे। तो देखिए फ्रंट वाले टायर तो अगर मैं और आगे तक लेके जाऊँ तो रोड पे ही रहेंगे, पर बैक वाला जो व्हीकल है वो क्या हो रहा है, आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है, रोड से नीचे आ रहा है। तो हमें इसीलिए ये जो विड्थ है ना, मतलब वाइड जो रोड है, जिस रोड की जो चौड़ाई है, उसको हमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराना पड़ता है, जिससे कि क्या है, जब ये व्हीकल टर्न लेने के बाद रोड पर ही बना रहे, आउट ऑफ ट्रैक ना हो। आ रही होगी बात समझ में कि हम क्यों एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कराते हैं। एक्स्ट्रा वाइडनिंग इसलिए कराते हैं कि हमारे व्हीकल फ्रंट व्हीलर होते हैं, फ्रंट व्हील रोटेट करता है या मूव करता है किसी भी डायरेक्शन में, उसी की वजह से व्हीकल हमारा टर्न लेता है। रियर जो व्हील होते हैं वो हमारे फिक्स्ड होते हैं, सेट होते हैं, वो रोटेशन नहीं देते बिल्कुल, मतलब टर्न नहीं लेते बिल्कुल, तो उसकी वजह से जो ट्रैक
प्रेस करते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जैसे कि ये देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा ये ऐसे करके, और ये धीरे 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 आउट ऑफ ट्रैक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, एक्स्ट्रा बाइंडिंग। अब एक्स्ट्रा बाइंडिंग प्रोवाइड कराते हैं तो इसका एक फॉर्मूला है, वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको और उस पर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, तो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है ये क्लास, क्योंकि तीन टॉपिक हैं, तीनों टॉपिक पर मैं आपको एक से दो क्वेश्चन कराऊंगा। अगर मेरे को लगा ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान है तो मैं उसको आपको भी करने को दे सकता हूँ, बाकी डाउट हो तो मैं आपको टेलीग्राम नंबर दे देता हूँ अपना, आप मेरे से उधर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप क्वेरी हो या कोई सजेशन हो, सजेशन आर मोस्ट वेलकम। मैं अपना एक बार नंबर भी लिख देता हूँ टेलीग्राम का, 8824537544। कोई भी क्वेरी हो इस मेरी क्लास से लेकर कुछ भी क्वेरी हो, एक्स्ट्रा किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स हो तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले एक्स्ट्रा बाइंडिंग। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी क्या होती है, तो वो एक बार लिख लेते हैं कि क्यों प्रोवाइड कराते हैं, क्या होता है। एज वी नो डैट आवर व्हीकल, मतलब अपने जो व्हीकल होते हैं आवर व्हीकल आर रोटेटेड, मतलब उसको कर्व पे लेके जाया जाता है, रोटेट और मैं इसको बोल सकता हूँ टर्न विद द हेल्प ऑफ ओनली फ्रंट व्हीकल्स, ओनली फ्रंट टायर। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैकिंग मतलब रोड पे से उतरने वाली कंडीशन बन जाती है, जैसा कि मैंने आपको फिगर में शिकायत दिखाया था, ऑफ ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल, ऑफ ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल। ठीक है, ये क्या हो जाती है, एक तरह से एक कंडीशन है जिसकी वजह से मतलब हमारे व्हीकल जो होते हैं फ्रंट टायर की वजह से ही रोटेट कर पाते हैं, टर्न लेते हैं, फ्रंट जो व्हील होता है वो टर्न करता है, इसकी वजह से हमारी पूरी गाड़ी किसी भी कर्व पर मूव करती है, उसी डायरेक्शन में जाती है, पर रियर व्हील हमारे मूव नहीं होते, तो इसकी वजह से एक पॉसिबिलिटी हो जाती है ऑफ ट्रैकिंग होने की, मतलब रियर व्हील के बाहर आने की, रोड से उतरने की कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखिए, टू ओवरकम दिस मतलब इससे बचने के लिए वी प्रोवाइड एक्स्ट्रा बाइंडिंग, जो कि हमारा टॉपिक है, इसीलिए ये हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैं कैपिटल W रख रहा हूँ, आप इसको कंप्लीट कर लेना, एक्स्ट्रा बाइंडिंग। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स्ट्रा बाइंडिंग हम क्यों प्रोवाइड करते हैं अपने रियल लाइफ में, जब भी हम कोई रोड बना वगैरह बनाते हैं तो एक्स्ट्रा बाइंडिंग हम क्यों प्रोवाइड कराते हैं, ये चीज़ आपको आज समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक्स्ट्रा बाइंडिंग का, एक्स्ट्रा बाइंडिंग क्या होती है, किस पर डिपेंड करती है। आई होप मेरे को आपको थोड़ा सा नीचे दिख रहा होगा, तो चलिए एक लाइन में इधर भी लिख देता हूँ कि एक्स्ट्रा बाइंडिंग जो होती है, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे, डब्ल्यू ई से, किससे डिनोट कर रहा हूँ, डब्ल्यू ई से, जो कि क्या होती है, डब्ल्यू एम प्लस के डब्ल्यू पी। ठीक है, एक्स्ट्रा बाइंडिंग का ये फॉर्मूला होता है, अभी ये फॉर्मूला तो बिल्कुल काम आने वाला है नहीं, क्योंकि हमें इस डब्ल्यू मतलब क्या है, डब्ल्यू एम, एम क्या है मैकेनिकल बाइंडिंग और पी क्या है साइकोलॉजिकल बाइंडिंग। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ डब्ल्यू एम और डब्ल्यू पी क्या है, डब्ल्यू एम और डब्ल्यू पी, डब्ल्यू एम क्या है मैकेनिकल बाइंडिंग, मैकेनिकल मतलब जो अपनी व्हीकल की जो एक्सेस होती है ना उस पर डिपेंड करता है और हमारे स्पीड पर डिपेंड करता है। मान लीजिए हमारा ट्रक है और एक कार है, तो कौन ऑफ ट्रैक जल्दी होगा, क्योंकि देखिए जिस ये कार है और ये ट्रक की एक्सेस मान लीजिए बड़े बड़े होंगे, एक्सेस मतलब दोनों व्हीकल के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो कौन सा ऑफ ट्रैक जल्दी होगा, ऑब्वियसली बात है ट्रक ऑफ ट्रैक जल्दी होगा, ट्रक का ये रोटेट यहीं से कट जाएगा, ये यहीं से रोटेट करेंगे, ये आराम आराम से रोटेट करेंगे, ये यहीं से रोटेट करने लग जाएंगे, तो ऑफ ट्रक की ऑफ ट्रैक होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो ये क्या हो गया मैकेनिकल बाइंडिंग।
MECH मैकेनिकल वायरिंग, ठीक है। तो ये चीज पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, यही मैं अगर बात करूं आपसे किसकी, डब्ल्यू पी की, तो डब्ल्यू पी क्या है, साइकोलॉजिकल वायरिंग, साइकोलॉजिकल फाइट नहीं, ठीक है। साइकोलॉजिकल मतलब ये क्या डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है स्पीड पर, व्हीकल की स्पीड क्या है। मान लीजिए इसकी स्पीड ज्यादा है तो ऑफ ट्रैक होने की टेंडेंसी भी ज्यादा हो जाएगी, अगर स्पीड कम है तो ऑफ ट्रैक होने की टेंडेंसी कम होगी। और दूसरा, ये साइकोलॉजिकल है मतलब उस ड्राइवर की माइंड स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर वो समझदार है तो वो बिल्कुल रोड के कॉर्नर पर आकर टर्न नहीं लेगा, थोड़ा रोड से इधर जाएगा, मतलब जैसे कि ये रोड है, ठीक है, तो वो गाड़ी यहाँ पर लाकर टर्न नहीं लेगा, वो गाड़ी को बीच में रखेगा या थोड़ा और उधर रखेगा, जिससे वो टर्न इजीली ले पाए और उसकी गाड़ी ऑफ ट्रैक ना हो। तो ये क्या हो गई, साइकोलॉजिकल वाइंडिंग। अब इन दोनों के डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, क्योंकि कैसे आए कभी पूछा नहीं गया SSCJEE में, कोई काम का नहीं है। डायरेक्ट आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, आपको फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। तो फॉर्मूला मैं 2 से 3 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, एक बार फॉर्मूला याद रखूंगा और 2 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको फॉर्मूला 3 बार दिखेगा तो आपको वो याद भी हो जाएगा। तो हट जाता हूँ मैं सामने से, अगर आपको लिखना चाहते हो तो नोट्स बना सकते हो। चलिए ठीक है, आप अगर वीडियो रोक कर भी लिख सकते हो उसे, तो मैं इसको रख कर देता हूँ। आज लाइट थोड़ी सी कम है क्योंकि सूरज महाराज है नहीं, मौसम हो रहा है खराब। चलिए ठीक है, अब देखिए मैकेनिकल वाइंडिंग क्या होता है और फिजिकल वाइंडिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। डब्ल्यू ई क्या हो गया, एक्स्ट्रा वाइंडिंग, जो कि मैंने क्या लिखा था, डब्ल्यू एम मैकेनिकल वाइंडिंग प्लस डब्ल्यू पी साइकोलॉजिकल वाइंडिंग, जो कि क्या होता है, एन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R+ के वी डिवाइडेड बाई 2.64 अंडर रूट आर। तो ये अपना यही एक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है, और इस पे प्री में भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है और मेंस में भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये चीज हो गई। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि आर क्या होगा, कर्व की बात हो रही है तो आर क्या है, सीधे सीधे रेडियस ऑफ कर्व, मैं तो लिखता हुआ चलता हूं, आर क्या है अपना, रेडियस ऑफ कर्व क्या है, रेडियस ऑफ कर्व, जो कि किस में होगा अपना, मीटर में। आर किस में होगा, मीटर में, ठीक है। बी देखिए, बी को मैंने कैपिटल बी ना बनाकर हल्का सा रोटेट करके स्मॉल बी की तरह शो किया है, मतलब बी किस में अपनी, मीटर पर सेकेंड में। अभी तक मैंने जितने भी फॉर्मूले ड्राइव किए हैं या आपको बताए हैं, उन सभी में वी जो अपनी है वो किस में है, मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। और उसी के बाद आर की वैल्यू हो गई। एन क्या है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ लेंस, क्या है, नंबर ऑफ लेंस, क्या है, नंबर ऑफ लेंस, कितने लेन है, मतलब कितने लेन है जिन पर गाड़ी चलेगी, ठीक है, 2 लेन है, 3 लेन है, वो चीज है। एल क्या है, व्हीकल की जो एक्सेस होती है ना, एक्सेस जिसको बोलते हैं, मतलब यहाँ फ्रंट व्हील से लेकर बैक व्हील तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस। तो ये वाली डिस्टेंस को क्या बोला जा रहा है, एक्सेस डिस्टेंस, यहाँ की कैपिटल स्मॉल एल, ठीक है, क्या बोला जाता है, एक्सेस डिस्टेंस, जो कि आपको क्वेश्चन में जनरली गिवन होगी। अगर नहीं गिवन है तो आप उसको कितना लेंगे, 6 मीटर, कितना लेंगे, 6 मीटर। तो ये चीज थी, ये चीज बताने वाली थी। चलिए मैं हट जाता हूँ, बस उसमें कुछ है नहीं। एन की वैल्यू बता दी, एल की वैल्यू बता दी, आर की वैल्यू बता दी, बी किस में है, मीटर पर सेकंड में। ये चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं ऐसा भी लिखता हूँ तो मीटर पर सेकंड में, अगर मैं कैपिटल भी लिखता हूँ तो किस में होगा, KmPH में, ठीक है, और 2.64 अंडर रूट आर। चलिए आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये तो नोट्स बना ही लीजिए क्योंकि इस पर तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। बस इतना समझने वाली बात थी एक्स्ट्रा बाइंडिंग में, बाकी नोट्स आपको प्रॉपर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, तो आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो भी सकते हैं, अगर आप कहीं जॉब वगैरह करते हैं नोट्स नहीं बना पा रहे तो। बाकी मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप नोट्स बनाएं देख देख कर, इससे आप दोगुना चीज माइंड में ग्रैप कर पाएंगे, कंसोलिडेट कर पाएंगे, रोक पाएंगे उसे माइंड में। तो उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा। तो चलिए अब न्यूमेरिकल्स की बारी आ जाती है, काफी सिंपल सी बात है, काफी इजी टॉपिक था ये।
ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर मानता हूँ मैं इसको ट्रांसपोर्टेशन का, और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेरी नज़रों में, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में जाओगे तो इधर से दो क्वेश्चंस मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? दो क्वेश्चंस मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें से एक आपकी हॉरिजेंटल अलाइनमेंट जो टॉपिक चल रहा है, और दूसरा आपका जो हो जाता है वो हो जाता है अपना वर्टिकल, या हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था डेफिनेशंस वगैरह, कैम्बर वगैरह क्या होता है उनके ऊपर। ठीक है, तो अब आती है हमारी क्वेश्चंस की, किसके ऊपर? एक्स्ट्रा बाइंडिंग के ऊपर, क्वेश्चन नंबर वन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं अपने मोबाइल में देख लेता हूँ क्योंकि सेटअप अभी इतना अच्छे से है नहीं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि कैलकुलेट द एक्स्ट्रा बाइंडिंग रिक्वायर्ड फॉर ए पेमेंट ऑफ विड्थ 7 मीटर। क्या गिवन है? विड्थ जो दे रखी है वो हमें 7 मीटर गिवन है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर। क्या है रेडियस हमको दे रखी है? 200 मीटर। इफ द लॉन्गेस्ट व्हील बेस, या मैंने जो एक्सेस बोला था उसको व्हील बेस भी बोलते हैं, ऑफ व्हीकल एक्सपेक्टेड ऑन द रोड इज 6.5 मीटर। दे रखी है एल की वैल्यू क्या दे रखी है? 6.5 मीटर। डिजाइनिंग स्पीड दे रखी है 65 km/h। तो आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं क्वेश्चन। चलिए मैं गिवन डाटा लिखता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जी डी क्या है? गिवन डाटा, ना कि ग्रुप डिस्कशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। गिवन डाटा में विड्थ जो दे रखी है, ये है विड्थ ऑफ रोड जो हमें स्टार्टिंग में दे रखी है, मतलब 7 मीटर, 7 मीटर दे रखी है। अगर आपको मेरी फर्स्ट क्लास याद होगी तो मैंने उधर बताया था इंटरमीडिएट मल्टीपल लेन, मल्टीपल लेन क्या होता है? 3.5 × n, n क्या होता है? नंबर ऑफ लेन। अब देखिए हमें नंबर ऑफ लेन इस पूरे क्वेश्चन में नहीं गिवन, पर टोटल विड्थ दे रखी है 7 मीटर, तो मैं इसको किसके इक्वल कर दूंगा? 7 मीटर को 3.5 × n मल्टीपल लेन के इक्वल कर दूंगा। इधर से n की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी हो जाएगी? 2 lengths। क्या हो गई? 2 lengths। तो n की वैल्यू हमें पता पड़ गई जो कि हमारे फॉर्मूले में यूज होगी। इसी के साथ आगे हमें क्या गिवन है? रेडियस गिवन है। रेडियस r की वैल्यू क्या गिवन है? r की वैल्यू जो हमको गिवन है वो है 200 मीटर। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखोगे, आप पूरा लिखोगे रेडियस ऑफ कर्व r बराबर 200 मीटर। मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है यहाँ पे समझाना आपको, ना कि पूरा सॉल्व करके देना। मैं पूरा समझा के दूंगा आपको समझ में आएगा, इस बात की भी गारंटी है। ठीक है, उसके बाद डिजाइनिंग स्पीड जो है v की वैल्यू दे रखी है 65 km/h। हमें किसमें जरूरत है? मीटर पर सेकंड में, तो अभी इसको मीटर पर सेकंड में बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या गिवन है? एन की वैल्यू पता पड़ गई, आर की वैल्यू पता पड़ गई, एल की वैल्यू और गिवन है, एल की वैल्यू कितनी गिवन है? 6.5 मीटर। ठीक है, चलिए मैं मोबाइल रख देता हूँ और निकाल लेता हूँ अपना कैलकुलेटर। सबसे पहले इसको करते हैं मीटर पर सेकंड में। मैंने आपको इतनी क्लास में इतने न्यूमेरिकल्स कराए, आपको पता पड़ ही गया होगा कि डायरेक्ट 3.6 से डिवाइड देते हैं तो ये क्या आ जा रहा है? 18.05 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला हमें पता ही है, एज वी नो डेट WE बराबर क्या है? WM प्लस के WP, मैकेनिकल बाइंडिंग प्लस के साइकोलॉजिकल बाइंडिंग। WM की वैल्यू, M की वैल्यू क्या होती है? L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R प्लस के WP की वैल्यू क्या होती है? V मतलब मीटर पर सेकंड में 2.64 अंडर रूट आर। ये वाले फॉर्मूला मैंने, इसको मीटर पर सेकंड में था तो मैंने इधर मीटर पर सेकंड में ही कर लिया, पर अगर आप किसी और बुक में पढ़ेंगे तो इधर ये वी किलोमीटर पर आर में भी हो सकता है, और इधर ये चेंज होके किस में हो जाएगा? 9.5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसी को मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर में मैक्सिमम फॉर्मूले मीटर पर सेकंड में पढ़े हैं, तो मैंने इस वाले फॉर्मूले को भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया था। शायद मेरे को लग रहा है आज मैं काफी तेज बोल रहा हूँ, तेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे क्योंकि लाइट आज कम है यार, क्या है नेचुरल लाइट में पढ़ाता हूँ मैं, और आज सन निकला नहीं है, आज हो रहा है क्लाउडी वेदर, तो इसलिए आपको लाइट थोड़ी कम लग सकती है, प्लीज थोड़ा मैनेज कर लेना। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, एन की वैल्यू क्या है? 2, एल की वैल्यू क्या है? 6.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 200 प्लस के वी की वैल्यू क्या है? 18.05 डिवाइडेड बाई 2.64 अंडर रूट आर की वैल्यू क्या है? 200 मीटर, जिसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ कितना आ रहा है। आंसर डिवाइडेड बाई 2.64 इंटू अंडर रूट 200, जो कि वैल्यू आ रही है 0.48 प्लस
करता हूँ, 2 × 6.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400, जो कि वैल्यू आ रही है 0.69। क्या रही है? 0.69 मीटर। क्या रही है? 0.69 मीटर। ये किसकी वैल्यू है? एक्स्ट्रा वाइडनिंग की, जो ही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये क्या हो गया अपना आंसर। अब ये तो हो गया था मीटर पर सेकंड वाला फॉर्मूला है, इसमें वी की वैल्यू क्या है? मीटर पर सेकंड में। अगर आपको ये केएमपीएच में फॉर्मूला मिल जाए तो केएमपीएच में फॉर्मूला में लिख देता हूं, आंसर यही आएगा, आप निकाल के सॉल्व कर सकते हो। एन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R प्लस के वी, जो कि हो जाएगा केएमपीएच में। देखिए मेरा वी जब मैं मीटर पर सेकंड में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, केएमपीएच में लिखूंगा तो कैपिटल वी लिखूंगा, डिवाइडेड बाई 9.5 अंडर रूट आर। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, चाहे आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए। मैं रेकमेंड करूंगा ये वाला, क्योंकि आगे कई सारे फॉर्मूले आएंगे उनमें आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि वैल्यू केएमपीएच में याद करूं कि मीटर पर सेकंड में बी की वैल्यू रखनी है। अगर आप कंफ्यूज है और 50-50% चांस हो जाएंगे आपके क्वेश्चन गलत होने के। तो मैंने अभी तक जितने फॉर्मूले बताए सब में मीटर पर सेकंड में बताए, तो मैं रिकमेंड करूंगा ये भी मीटर पर सेकंड में याद करें, क्योंकि मेरा पूरे इस चैप्टर में सिर्फ आप दो जगह बी की वैल्यू केएमपीएच में रखनी पड़ेगी बस, और वो दो जगह आराम से याद कर सकते हो। अगर आप सब केएमपीएच में याद करने लगोगे तो फॉर्मूले काफी टिपिकल हो जाते हैं याद करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, एक सेकेंड हट भी जाता हूँ, 1, 2, 3 चलो ठीक है। आप रोक कर वीडियो देख लेना, कुछ नहीं, काफी आसान है। ये हो गई एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अगर आपसे यही क्वेश्चन में पूछे कि टोटल वाइडनिंग कितनी हो जाएगी रोड की, तो मैं इधर लिख देता हूं टोटल। अगर पूछे टोटल वाइडनिंग पूछे तो क्या हो जाएगा, जो वाइडनिंग ऑफ रोड थी डब्ल्यू आर प्लस डब्ल्यू ई, ये तो थी रोड की वाइडनिंग, जो कि हमें कितने की बनती, 7 मीटर, और एक्स्ट्रा हम कितनी दे रहे हैं, 0.69 मीटर। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 7.69 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। पर हमसे जहां तक मेरे को याद है क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था एक्स्ट्रा वाइडनिंग, तो मैंने एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी निकाल दी, टोटल वाइडनिंग भी निकाल दी, क्योंकि जो मैंने इसलिए निकाल दी ये अगले वाले फॉर्मूले में यूज होने वाली है, टोटल वाइडनिंग पूछेगा अगले वाले में। तो ये क्वेश्चन काफी आसान था, छोटा सा था, तो इसलिए फटाक से हो भी गया। उम्मीद है आपको पूरा समझ आया होगा। अगर देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट में मेरे को जरूर बताएं, इससे मेरा ही कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा और मैं आपके लिए और अच्छे से न्यूमेरिकल कंसेप्ट, मेरे को भी लगेगा यार बच्चे सीरियस है तो मैं और ज़्यादा उनको नॉलेज प्रोवाइड करूँ जिससे उनका ही फायदा हो, ठीक है। तो चलिए फिर अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा आपको, मैं अपने मोबाइल में देख लेता हूं। बोल रहा है फाइंड द टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट ऑन ए हॉरिजॉन्टल कर्व। क्या बोल रहा है? टोटल विड्थ बोल रहा है। अभी मैंने आपको समझाया भी था कि टोटल विड्थ कैसे निकालेंगे। भाई थोड़ी सी लाइट आ जा, सन आ जा थोड़ी देर के लिए आज, ठीक है। टोटल विड्थ के लिए बोल रहा है और हमें कुछ भी नहीं गिवन है, और जो रेडियस के लिए जो बोल रहा है वो बोल रहा है फॉर ए न्यू नेशनल हाईवे टू बी अलाइंड अलोंग ए रोलिंग टेरियन विद ए रूलिंग मिनिमम रेडियस। आर जो हमें लेना है वो क्या लेना है? आर रूलिंग लेना है। और रूलिंग कैसे निकालते हैं वो मैंने इससे प्रीवियस वाली क्लास में बताया हुआ है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई कार्ट में लिंक आ रहा है, आप इधर से जाकर उसको डायरेक्ट देख सकते हैं। एज्यूम नेसेसरी डाटा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन, हमें पूरा डाटा क्या लेना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं गिवन है तो मैं सबसे पहले नेशनल हाईवे, तो जो डिजाइनिंग स्पीड जो मानूंगा कैपिटल वी, वो कितनी मान लेता हूं मैं, 80 KMPH। यही एक्सप्रेस वे होता तो आप कम से कम 100 मानोगे KMPH, ठीक है। आर की वैल्यू कुछ नहीं दे रखा ही है, आर की तो वैसे भी आर रूलिंग निकाल ली है हमको, क्या निकाल ली है, आर रूलिंग निकाल ली है, जो कि हमें पता नहीं है तो मैंने इधर लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद मैं सुपर एलिवेशन अज्यूम कर लेता हूँ, कितना 0.7% होता है, तो 0.07 मैक्सिमम मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। इसी के साथ में फ्रिक्शन कोफिशिएंट या लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट अज्यूम कर लेता हूँ मैक्सिमम, जो कि क्या होता है 0.15 होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या गिवन है डाटा में, और क्या क्या जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा बाइंडिंग निकाल, टोटल बाइंडिंग पूछ रहा है,
डब्ल्यू टी पूछ रहा है, तो डब्ल्यू टी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टी प्लस के डब्ल्यू रोड, रोड के लिए, अब रोड के लिए अज्यूम कर लेते हैं, क्या करते हैं अज्यूम टू लेन रोड, कितनी रोड अज्यूम करी हमने, टू लेन रोड अज्यूम करी, मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई टू और उसकी वैल्यू क्या हो गई अपने डब्ल्यू आर, मतलब रोड की विड्थ क्या हो गई 7 मीटर। तो ये चीज क्लियर हो गई, डब्ल्यू आर की वैल्यू हमें 7 मीटर एज्यूम कर ली, एन की वैल्यू ये पता पड़ गई, बी की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू निकल जाएगी, ई की वैल्यू पता है, ये पता है। अब देखिए आर रूलिंग जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था वो क्या बताया था, क्या होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू ई प्लस म्यू डैश, यही होता है, क्योंकि ई प्लस म्यू डैश होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर, क्या होता है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, ठीक है। अब मैंने आर को मैं इधर ले गया, क्या होता है मैं इधर बता देता हूं, ई प्लस म्यू डैश की जो वैल्यू होती है वो होती है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर, ठीक है। आर की वैल्यू निकाल लिया, आर में इधर ले गया, बाकी सब चीज इधर ले आया, जी की वैल्यू क्या होती है 9.81 होती है, ये सबको वेल नोन होगी, ई की वैल्यू मैंने मैक्सिमम एज्यूम कर रखी है, एम की वैल्यू, म्यू की वैल्यू मैंने मैक्सिमम एज्यूम कर रखी है, तो आर रूलिंग की वैल्यू क्या आ रही है वो निकाल लेते हैं फटाक से, चलिए निकाल लेते हैं, और इसमें ये वी जो है वो मीटर पर सेकेंड, तो सबसे पहले v को मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, 80 है तो 22.22 होता है, 22.22 मीटर पर सेकंड। चलिए अब r रूलिंग निकाल लेते हैं, क्या है v स्क्वायर मतलब 22.22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.22, क्योंकि देखिए e की वैल्यू क्या है 0.07 और म्यू की वैल्यू क्या है 0.15, इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो क्या आती है 0.22, ठीक है 0.22 इंटू 9.81 जो कि वैल्यू क्या आ रही है 228.76 मीटर। रेडियस ऑफ कर्व जो आ गए रूलिंग वाले कितने आ गए 228.76 मीटर, ठीक है। आर की वैल्यू पता पड़ गई, अब हमारे पास डायरेक्ट डब्ल्यू ई वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, क्या होता है एन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, और मैंने L की वैल्यू अज्यूम नहीं करी है, तो आप L की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं कि व्हील बेस क्या है या एक्सिस ऑफ व्हील क्या है वो 6 मीटर, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले जब एक्स्ट्रा वाइंडिंग समझा रहा था तब बताया भी था कि L की वैल्यू आप कितनी लोगे, L की वैल्यू पता पड़ गई प्लस के क्या होता है V अपॉन 2.64 अंडर रूट में R, ठीक है। अब सबकी वैल्यू पता है, निकाल लेते हैं सबकी वैल्यू, सबसे पहले लास्ट वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, 2.22 डिवाइडेड बाई 2.64 इनटू अंडर रूट आर की वैल्यू क्या है अपने 228.76 जो की वैल्यू आ रही 0.55 कुछ आ रही है प्लस के 2 इंटू 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 228.76 जो कि वैल्यू आ रही है 0.71 मीटर। टोटल कितनी आ रही है 0.71 मीटर। हमसे क्वेश्चन में पूछा था टोटल वाइडनिंग, ध्यान देना टोटल वाइडनिंग पूछा था ना कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अब बच्चे क्या है यही तक आंसर छोड़ देते हैं कि वाइडनिंग है तो एक्स्ट्रा ही पूछा होगा, ये चीज नहीं करना है। टोटल वाइडनिंग क्या हो जाएगी डब्ल्यू ई प्लस के डब्ल्यू आर, रोड की विड्थ प्लस के ये वाली विड्थ, तो डब्ल्यू ई क्या है 0.71 और रोड की विड्थ ने क्या है 7 मीटर, तो टोटल आंसर जो होने वाला है वो अपना क्या हो जाएगा 7.71 मीटर, यही क्या हो गया अपना आंसर। तो यही था एक्स्ट्रा वाइडनिंग में जो भी चीज करने वाली थी वो सब यही तक था, उम्मीद है काफी आसान लग रहा होगा अब आपको ये क्वेश्चन समझने के लिए, तो आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, सिस्टमेटिक वे में कर लेना, या मैं आपको कॉपी मेरे नोट्स मिल ही जाएंगे आपको अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे ऐड होते हो तो। उम्मीद है आपको मेरा ये बढ़ाना एक्स्ट्रा वाइंडिंग समझ आया होगा।
ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको दो मेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कराए हैं, मतलब एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इक्वल हो जाता है टू, मतलब एक सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है वो आपके इक्वल होता है 4 to 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। तो आपको काफी मजा आ रहा होगा उम्मीद है। आज क्या है, लाइट का थोड़ा अरेंजमेंट नहीं है, उधर लाइट आ नहीं रही है और सन भी हमारा सपोर्ट कर नहीं रहा है, तो पीछे जो विंडो है उधर से भी काफ़ी ब्लैक क्लाउड है, तो आज लाइट नहीं आ पा रही है, तो इसलिए मेरे को आज ये वीडियो यहीं रोकनी पड़ रही है। सोचा तो मैंने था कि काफ़ी आज इसी क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, एक्स्ट्रा वाइटिंग के साथ साथ हॉरिजॉन्टल कर्व और साइड सेटबैक डिस्टेंस। तो चलिए अगले लेक्चर में डालेंगे जब भी लाइट सही होगी। थैंक यू।